हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 और ये मेरे पास फिलहाल अभी आया है, इसलिए मैं इसका अभी अनबॉक्सिंग दूंगा। ये फ़ोन यहाँ पे 2 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च करा गया है और जो प्राइस है ना वो अप्रॉक्स 7500 रुपये के आसपास रखा गया है। फाइनली ये जो फ़ोन है मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में पिक करा है और फ़ोन जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इन्फिनिक्स का जो फ़ोन होता है ना उसका ऑर्डिनरी डिज़ाइन काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर बॉक्स कंटेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पे 10 वॉट का ट्रेवल अडेप्टर अवेलेबल होता है एंड यहाँ पे USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ और भी है जैसे कि सिम इजेक्टर टूल और एक यहाँ पे हार्ड केस भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, फाइनली इस फ़ोन को यहाँ पे अनरैप करते हैं और बात करते हैं इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के बारे में। तो फाइनली ये फ़ोन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और बैक पैनल पे देखेंगे तो एंटी बैक्टीरियल डिज़ाइन कह सकते हो या मटेरियल कह सकते हो। एंड यहाँ पे डुअल रियर कैमरा मिलता है, 8 MP प्लस AI लेंस यूज करा गया और यहाँ पे फिजिकल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे फ्रंट की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको 6.6 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पे IPS पैनल यूज करा गया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस के साथ मिलता है क्योंकि इसके अंदर 500 nits है और जो टच रिस्पॉन्स है बजट वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने अभी नेट से कनेक्ट करके रखा है। हाँ, बेजल जो है थोड़े से आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है बट ये फ़ोन 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे काम करता है और जो यहाँ पे वीडियो का आउटपुट है आई थिंक काफ़ी हद तक अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो फोन का जो वेट है ऑलमोस्ट काफ़ी सही है, ये 200 ग्राम से अंदर में ही देखने को मिलता है। फ्रंट में 5 MP का सेल्फी मिलता है एंड हार्डवेयर की बात करें तो 2 GB का रैम और यहाँ पे 1 GB और आप एक्सटेंड कर सकते हो या एक्सपेंड कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 64 GB का स्टोरेज, तो ये तो सही है। एंड यहाँ पे मीडियाटेक हेलियो A22 का प्रोसेसर अवेलेबल होता है और ये फ़ोन यहाँ पर एंड्रॉयड 11 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो एंड्रॉयड है वो आपको यहाँ पे गो एडिशन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर अनटूडो बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे लगभग 95,000 के आसपास देखने को आपको मिल जाता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे आप देख सकते हो और जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस है वो भी ओवरऑल अच्छा है। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, इसे इनेबल करते ही ये फ़ोन जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और यहाँ पे बैकअप जो है काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप क्विट कर सकते हो और बाहर आ सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आई केयर मोड मिलता है, पिक मोड मिलता है एंड 1 हैंडेड मोड भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन छोटा होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी इसे आप 1 हैंडेड यूज कर सकते हो। एंड साथ में और भी फीचर्स है जैसे कि यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है और साथ में गेम मोड मिलता है, बट इसके ऊपर हैवी गेमिंग नहीं करा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हेलियो A22।